अस्सलाम वालेकुम जी, आईयूबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ उतारा शारी और हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के जो हमारे बच्चे हैं फाइनल सेमेस्टर के, उनके साथ हम बात कर रहे हैं उनका जो काम है उसके ऊपर। सकलैन मेरे साथ मौजूद हैं, ये हमारा बहुत शानदार गुलाम जाफिर हमारे साथ मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बच्चा है, बहुत मेहनती, इनकी पूरी क्लास ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की। गुलाम जाफिर, आपका थीसिस का टॉपिक क्या था और कितनी मेहनत हुई? अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा टॉपिक था कैटास्ट्रोफिक पेंडेमिक। बेसिकली जो हमारा कोविड-19 पे हुआ था तो मेरा टॉपिक वो था और मैंने इसको टेराकोटा में लेके गया था। मोज़ेक आर्ट जिसे कहते हैं, मोज़ेक आर्ट में बेसिकली होते हैं कि इरेगुलर शेप्स में आपके जॉइंट्स बनते हैं और उनको आप जॉइन करके कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो मैंने टेराकोटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और इनको यूज़ करते हुए इस पर मैंने मार्बलिंग का भी इफेक्ट भी दिया है बेस में, और इसको मैंने फिर ट्रांजिशन साइड पे एक तरह का दिखाया है। पहले कोविड पूरी दुनिया नॉर्मलाइज थी, तब चाइना से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था कोविड 2019 में, तो वहाँ से बढ़ता हुआ पूरी वर्ल्ड में फैल गया। फिर तो वहाँ से फिर जब वैक्सीन का जब इजरा हुआ था तो उसके बाद हमारी जो कोविड की रेशो थी वो कम होते 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 फिर अभी भी रिसेंटली कुछ एरियाज में, कुछ कंट्रीज़ में कोविड अभी भी रिसेंटली भी है, बट हम उसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे तो हमारा भी कोविड में ही टेन्योर गुजरा था, तो उस चीज़ को लेते हुए हम उस जो हमें उस टाइम पे नुकसानात हुए थे हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड, उसको मैंने एक तरह से अपने इस थीम में कवर करने की कोशिश की है। गुलाम जाफिर, बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह इन्होंने बात की है कि जब कोविड था उससे पहले पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त ग्रीन थी, और उसके अगले स्टेप पे कि फिर चाइना के एक सूबे से, एक शहर से जब ये सिलसिला उन्होंने इसको जो है वो यहाँ पर ब्लॉक से रेड किया है और फिर आगे वो पूरी दुनिया तक फैला, और फिर जब यहाँ पर वैक्सीन उसकी आ गई तो वैक्सीन की सूरत हाल ये थी कि फिर ये वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हुई, और ये इस वक्त की सूरत हाल है कि इसमें अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका पार्शली इसकी चीज़ें मौजूद हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक गुलाम जाफिर। आगे हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। यह हमारी जीआर है इस सेशन की, इस क्लास की जीआर है। बेटा, आप बताइएगा कि आपने क्या, आपका मोटिव क्या है, आपका टॉपिक क्या है और क्या काम किया है? मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो डार्कनेस थी, जो रिलेट करती थी गॉथिक आर्ट से। तो मैंने गॉथिक के जो आर्किटेक्चर को, जो उसमें कॉमन चीज़ थी आर्किटेक्चर था, उसके एलिमेंट्स को लेके मैंने उसकी कंपोजिशन से डिज़ाइंस बनाए हैं। और गॉथिक का मतलब जो है थीम ही ब्लैक है, मतलब डार्कनेस की तरफ है, तो मैंने ब्लैक को सारा रिलेट करके और उसमें अपना जो टेक्सटाइल और फैशन दोनों को कन्वर्ट किया है। उसमें मैंने कटवर्क और पैचवर्क को किया है और उसका फिर मैंने कॉस्ट्यूम और बैग्स बनाए हैं। आप क्या समझते हैं अनुषा के फ्यूचर में मार्केट के अंदर जाके इसकी कितनी गुंजाइश होएगी कि आप इसको अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों कंटिन्यू कर सकें? अगर देखा जाए तो अगर हमारे मतलब सोसाइटी में कपड़ों का मतलब बहुत ज़्यादा रुझान है, मतलब लेडीज़ जो हैं ख़ास तौर पे वो कपड़ों को ज़्यादा वो लेकर चलती हैं, तो इसलिए मैंने कॉस्ट्यूम्स की तरफ और डिज़ाइंस को इसलिए लेके आई हूँ ताकि मतलब उनका जो है फोकस ही जो है वो कपड़ों पर है, और ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा लेडीज़ को पसंद होता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक को वो कन्वर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। अनुषा गोलिया हमारी बच्ची जीआर भी थी उस क्लास की, और ये जिन्होंने अपना काम बताया है, जाहरी बात है बच्चे इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और हम दुआगो भी हैं हम टीचर्स इन बच्चों के लिए कि मुस्तकबिल में ये फ्यूचर में जाके अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आईयूबी न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। अतल्ला शारी को इजाज़त, अल्लाह ने के पास।